अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट सुनिए के सेगमेंट रिव्यूज़ विद आईके में खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं कराची के एटीएम मॉल में। एटीएम मॉल में आमिन का मकसद हमारा क्या है? अब जानते हैं कि एटीएम में ज़्यादातर जो मशहूर है कराची का ये मॉल, वो अपने सिनेमास की वजह से है, मल्टीप्लेक्सेस की वजह से है। और हमारी आमद का सबब भी यही है, हम यहाँ एक फ़िल्म देखने आए हैं। फ़िल्म का नाम है पीछे तो देखो। सैयद आतिफ अली की हिदायतकारी में ये फ़िल्म बनी है, उन्होंने ही इसका स्क्रिप्ट लिखा है। यासर हुसैन है, नई कास्ट है, कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें आप नहीं जानते। सैयद आतिफ अली कौन है, इस बारे में हम बात करते हैं मज़ीद, इससे पहले कि हम सिनेमा हॉल में दाखिल हों। ओके दोस्तों, यहाँ हमारी आमद का सबब है पीछे तो देखो, सैयद आतिफ अली की फ़िल्म है। सैयद आतिफ अली एक हिदायतकार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, फिल्म का स्क्रिप्ट और हिदायत उन्हीं की है। इससे पहले वो टेलीविज़न के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखे, फिल्म बनाई, ड्रामे भी लिखे और ड्रामे डायरेक्ट किए। और अब वो अपनी दूसरी फिल्म के साथ आए। इससे पहले वो एक फ़िल्म कर चुके हैं, परी, लो बजट फिल्म थी, हॉरर का जॉनरा था। जिसने भी देखी उस फिल्म की तारीफ़ की, गोके मतलब बहुत ज़्यादा सर्किट्स में वो नहीं लग सकी। लेकिन ये फिल्म इस वक्त पूरे पाकिस्तान के तमाम सिनेमाघरों में लगी हुई है और हम इसी को रिव्यू करने आए। और हम चल के देखते हैं कि ये फ़िल्म कैसी है। ओके भाई, इंटरवल हुआ है और अब तक लोगों ने कहके लगाए हैं, लोगों ने एंजॉय किया है। सिनेमा बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मौजूद हैं, फैमिलीज के साथ मौजूद हैं, फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म में बार बार, अब तक जितनी फिल्म हुई आती, फिल्म बहुत ज़्यादा ह्यूमर है। जो हॉरर कॉमेडी का जॉनरा है उसको बहुत अच्छी तरह अब तक आतिफ ने संभाला है, VFX को संभाला है। VFX का इस्तेमाल हमारे यहाँ अक्सर जो है वो नहीं होता है या बहुत ख़राब होता है, मगर इसमें काफ़ी हद तक मैनेज किया। ये कामयाबी है डायरेक्टर की, डायरेक्टर के कुछ शॉट्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर हमें ऐसे करेक्टर्स से मिला रहा है जिनको हम जानते भी हैं और जिनसे हम जुड़ना चाहते हैं। और अब तक जो सबसे अच्छी बात यह है कि पंचेज हैं, फैमिलीज हैं, लोग बैठे हुए हैं, लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो क्लाइमेक्स आ चुका है, सॉरी क्लाइमेक्स कह रहा हूँ, इंटरवल आ चुका है। अब हम क्लाइमेक्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह ये जो डायरेक्टर है हमें आगे मजीद बांधे रखता है। तब तक मैं एक कप चाय पी लूँ। फिल्म ख़त्म हो गई है पीछे तो देखो, और हमने पीछे देख लिया है। फिल्म एंड पे आ चुकी है। लास्ट रिव्यू मेरा यह है कि इट्स अ गुड फिल्म, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमर है, फिल्म बहुत मज़ाइया है, एंटरटेन करती है, म्यूज़िक फिल्म का अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है। आतिफ रेडी डिड वेल, उसने कुछ जगह आपको बिल्कुल एक सिनेमा का एक्सपीरियंस दिया है। झील का सीन, म्यूज़िक, उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया गया है। मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार। किसी जगह मुझे लगा पेस फिल्म का थोड़ा कम था, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा गुड फिल्म। और मैं चाहूँगा कि आप सब ये फिल्म ज़रूर देखें। थैंक यू।